एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। ये इस चैप्टर के हमारे सिर्फ छोटे से दो टॉपिक रह गए हैं। एक तो है खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण क्या अभिप्राय है। खाद्य मतलब हमारे खाने पीने योग्य पदार्थ। परिरक्षण से अभिप्राय है कि खराब होने से बचाना, खराब होने से बचाना, यह कहलाता है खाद्य परिरक्षण। कि हमारे जो भी खाद्य पदार्थ यानी भोजन है और पेय पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों का वातावरण में उपस्थित नमी के कारण या खुला रहने के कारण या बहुत अधिक ताप या बहुत अधिक निम्न ताप के कारण भी उनमें अगर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण हमारा जो भोजन है या खाद्य पदार्थ हैं उनका स्वाद चेंज हो जाता है, रंग परिवर्तित हो जाता है और उनमें विषैले जहरीले पदार्थ उत्पन्न होने की संभावना भी रहती है। तो इसीलिए हमें हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करना पड़ता है, परिरक्षित या परिरक्षण देना पड़ता है, यानी उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो इसी में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण, परिरक्षण से अभिप्राय कि खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाने के लिए परिरक्षण में यूज़ में आने वाला रासायनिक पदार्थ अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे पास हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये दो हमारे पास क्या हैं, रासायनिक पदार्थ। ये दो क्या हैं हमारे पास, रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइट। ये पदार्थ हमारे खाने पीने वाले पदार्थ जैसे जैम जेली स्क्वैश आदि, इन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए इस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं, जैसे घरों में हम देखते हैं नमक, नमक है, इससे क्या है, ये आंवला है, आम है, मांस, मछली, इन सभी का परिरक्षण करने में हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक हमारा भोजन का एक अवयवी घटक होता है जो उपलब्ध रहता है। इसी के साथ हम देखते हैं चीनी, चीनी क्या करती है, नमी का अवशोषण करती है। नमी का क्या करती है, अवशोषण, यानी ये क्या है, जहाँ भी थोड़ी बहुत नमी या नमी का अभिप्राय है कि उसमें कुछ पानी जैसे वातावरण में बहुत अधिक वातावरण मौसम की आर्द्रता नमी के कारण क्या है कि हमारे खाने पीने वाले पदार्थ हैं उनमें भी नमी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए क्या है, ये चीनी है, ये नमी का अवशोषण करती है, इससे हम जैम जेली इन पदार्थों का क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिरका है और तेल, इनसे क्या है, अचार आदि कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिनका क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है। या हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं, बहुत अधिक कम ताप पर उत्पन्न नहीं हो सकते और बहुत अधिक अधिक तापमान पर उत्पन्न नहीं हो सकते, तो कुछ पदार्थों को हम उबाल कर, जैसे हम दूध हैं, अगर उसे हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो दूध को उबाल कर आप ठंडा कीजिए तो दूध है लंबे समय तक हमारे काम में आ सकता है। या हम बहुत अधिक ठंडा यानी रेफ्रिजरेटर, हमारा जो फ्रिज है उसमें तापमान बहुत ही कम रहता है, इसीलिए आपने भी महसूस किया होगा घरों में हम देखते भी हैं कि कई बार हमारा जो बनाया हुआ भोजन है अगर हमें 2-3 घंटे तक उसे सुरक्षित रखना है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। कई बार रात का भोजन भी सुबह इस्तेमाल करने के लिए रख देते हैं, लेकिन हमें वैसे रात का भोजन सुबह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी अलावा फलों सब्जियों को भी हम फ्रिज में रखते हैं। तो बहुत अधिक कम ताप पर जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं यानी सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, और किसी भी पदार्थ या पेय पदार्थ को उबालने से भी उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार क्या है, जो ये जो पैकेट्स में दूध आता है, पाश्चुरीकृत दूध होता है, उसमें क्या होता है, इस दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक
उबाला जाता है, एकदम से गर्म किया जाता है और फिर 15-20 सेकंड या एक मिनट के लिए इसको ठंडा किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, थैलियों में पैक कर दिया जाता है। तो उसमें सूक्ष्म जीव है, उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है और उन पर ये फिक्स डेट लिखी होती है कि जैसे आज अगर दूध की पैकिंग हुई है तो कल या परसों यानी एक दिन दो दिन तक यह दूध है सुरक्षित रहता है। और यह दूध कैसा कहलाता है, पाश्चुरीकृत मिल्क या पाश्चुरीकृत दूध। और इस प्रोसेस की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसे पाश्चुरीकरण अभिक्रिया भी या पाश्चुरीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं। तो 8th क्लास के बच्चों, आप ध्यान से सुनिए कि आज का हमारा टॉपिक केवल है खाद्य परिरक्षण, यानी हमारे खाने पीने की चीज़ों को हम किस प्रकार बचा सकते हैं ख़राब न हो। आपने घरों में भी महसूस किया होगा कि अचार है उसमें सरसों का तेल भी डाला जाता है और नमक भी डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक रहे, ख़राब न हो। तो ये है हमारे खाद्य परिरक्षण के, आपके लिए पास ये परिरक्षण के उपाय। एक आप यहाँ लिख सकते हैं पाश्चुरीकृत दूध, यानी दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक 20-25 सेकंड तक उबाला जाता है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन चक्र। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, CO2 होती है 0.03 और फिर होती है अन्य गैसेस। तो इस प्रकार हमारे वायुमंडल का जो संगठन है उसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को हम N2 के रूप में भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन O2 लिखी है और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। ये इनके क्या है, रसायन की भाषा में इनको लिखने के प्रतीक या साइन या चिन्ह होते हैं कि इस प्रकार इनको हम लिखते हैं। और अब नाइट्रोजन वायुमंडल में इस प्रकार पाई जा रही है। इसके अलावा नाइट्रोजन क्या है, हमारे जो सजीवों के घटक हैं जैसे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड, इनका मुख्य घटक क्या होता है, नाइट्रोजन। यानी प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो उसमें नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव के रूप में रहता है। इसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड है, यह भी क्या है कि मुख्य अवयव, इसमें भी नाइट्रोजन मुख्य अवयव के रूप में रहता है। अब प्रोटीन तो आपने नाम सुना है कि हमारा खाद्य पदार्थ या भोजन का एक अवयव होता है। आपके 7th क्लास में था कि हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वसा। इस प्रकार उसी के अंदर एक और पदार्थ होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है कि हमारे अनुवांशिक पदार्थ होता है कि हमारे जो लक्षण है माता पिता से, हमारे संतान में जो प्रवेश करने वाले लक्षण हैं उनका निर्धारण क्या है, न्यूक्लिक अम्ल द्वारा किया जाता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको रिपेयरिंग या मरम्मत का कार्य करता है। और प्रोटीन का हमने पढ़ा है सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दाल होती है, दालें होती है। और उसमें भी सबसे अच्छी कैटेगरी यानी सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है, सोयाबीन की दाल में। और इन प्रोटीन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन है। इसके अलावा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह तत्व भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। चक्र का क्या मतलब है कि नाइट्रोजन वातावरण से रिलीज होती है, पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं और पेड़ पौधों से तैयार भोजन है, प्रोडक्ट है या उत्पाद है उसका उपयोग जीव जंतु करते हैं। और जीव जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो वापस वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस वह नाइट्रोजन है वो वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि ये नाइट्रोजन वापस वातावरण में प्रवेश नहीं करती, यदि ये नाइट्रोजन इस प्रकार वातावरण में वापस प्रवेश नहीं करती तो 78% थी तो आज तक ये क्या हो जानी चाहिए थी, ख़त्म होने के कगार पर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यह अपनी 78% ही रहती है। इसका क्या मतलब है कि जितनी हम नाइट्रोजन वातावरण से यूज़ में ले रहे हैं उतने ही वातावरण को वापस लौटाते भी हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन चक्र। अब ये स्टार्ट कैसे होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे वायुमंडल में एक प्रोसेस होती है तड़ित, यानी जो बिजली का चमकना है ये तड़ित झंझावत की कंडीशन होती है। इसके द्वारा जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका क्या हो जाता है, स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का अभिप्राय है कि नाइट्रोजन को N2 के रूप में पेड़ पौधे हैं सीधा उपयोग में नहीं कर सकते हैं, इसके कुछ यौगिक होते हैं जैसे कि नाइट्रेट है, मुख्य नाइट्रेट के रूप में ही पौधे इसका उपयोग कर पाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, स्थिरीकरण के द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन को अन्य यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। तो पहली प्रोसेस तो ये हो गई कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का क्या किया जाता है, स्थिरीकरण, मतलब उसका उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन किया जाता है। सेकंड क्या है, हमने आपको बताया है पहले भी कि कुछ पौधे होते हैं जो कि लेग्यूमिनेसी
एक कुल होता है उसके पौधे हैं। जैसे कि हम बात करें कि मटर और सेम है, इनके पौधों की जो जड़ें हैं उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। ये ग्रंथिकाएं होती हैं, यानी ये जो पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं उनमें यहाँ ये गांठ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु और वातावरण में उपस्थित नील हरित शैवाल हैं, ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण कर देते हैं, यानी नाइट्रोजन यौगिकों में, यानी जो उपयोगी रूप में, यानी जिस रूप में ये मिट्टी उसको अवशोषण कर सकती है उस रूप में बदल देते हैं। यहाँ से ये यौगिकों में परिवर्तित हुए और मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में क्या करेंगे? मिट्टी से ये पोषक तत्वों के रूप में पौधों में प्रवेश करेंगे, पौधे इसका अवशोषण करेंगे जड़ों द्वारा। पौधों में प्रवेश करने के बाद पौधों से जो भोजन तैयार होता है, सारा भोजन पौधों से तैयार होता है, फल है, सब्जियाँ हैं, गेहूँ है, चावल है, ये सभी क्या पौधे ही हैं, इनसे हमें भोजन प्राप्त होगा तो जंतु इसका क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद जब जंतुओं की मृत्यु होगी, अन्य जीवों की मृत्यु होगी, तो उनका सूक्ष्म जीवन द्वारा जब अपघटन होगा तो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो भी वापस किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में ही मिलेंगे। यानी उनके ख़त्म होने पर नाइट्रोजन का अपशिष्ट बनेगा, उसमें यह किस में मिल जाएगा? वापस मिट्टी में। और इस मिट्टी में भी कुछ ऐसे भी जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अब इन नाइट्रोजन यौगिकों से वापस क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन। वापस क्या बना देते हैं? नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। यह पूरी जो प्रोसेस है क्या कहलाती है? नाइट्रोजन चक्र। एक बार फिर से आप देखिए, वायुमंडलीय यानी नाइट्रोजन चक्र क्या है, तो आप इसे इस प्रकार बताएंगे कि हमारी वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% है। पौधे इसका उपयोग करते हैं अन्य यौगिकों के रूप में, जैसे कि नाइट्रेट के रूप में, लेकिन यह फिर भी वातावरण में 78% ही बनी रहती है, कम नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? कि कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों से पुनः नाइट्रोजन का निर्माण करके उसे वातावरण में लौटा देते हैं, और इस प्रकार एक चक्र यह चलता रहता है। अब ये चलता कैसे है? कि एक तो हम देखते हैं कि तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना, या हम देखते हैं राइजोबियम और नीलहरित शैवाल जीवाणु हैं इनके द्वारा नाइट्रोजन का क्या होता है? स्थिरीकरण। का मतलब कि वो उपयोगी रूप में बदल देते हैं, और पौधे इसका यानी मिट्टी में पहुंच जाती है, मिट्टी से पौधे इसे ग्रहण करते हैं, पौधों से फिर इसे जंतु ग्रहण करते हैं, और जंतुओं की मृत्यु होने पर या उनके उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों के कारण यह वापस किस में? मिट्टी में मिलती है। और मिट्टी में भी ऐसे जीवाणु और भी उपस्थित हैं जो क्या करते हैं? इन नाइट्रोजन यौगिकों को पुनः N2 या नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ हमारा आज ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट।